Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया. क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा. आई वुड लाइक parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. Rajnitik dalon ko bahut personal attacks se bachna chahiye. Fir mujhe Badar sahab ka ek sher yaad aata hai, dushmani jamkar karo lekin ye gunjayish rahe. Dushmani jamke karo lekin ye gunjayish rahe. जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है. तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर. Very sincerely, this is what I have seen in now 3.5 years. You are our natural allies, you are eyes and ears. Hamara koi criticism hota hai, aap karte hain, hum apni baat kehte hain, aap karte hain. Aap hi ke through hum voters pe pahunch sakte hain. Please, voters tak hamari baat pahunchaiye, unko bahar nikalwaiye. Ye sari slides, sara presentation aapko abhi turant isi माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज. कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे. नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू आर वेटिंग एंड आई होप आई डिडंट डिले इट. आई हैव नॉट बोर्ड यू बाय व्हाट आई सेड. सो नाउ विल बी अनाउंसिंग शेड्यूल इन 3 phases. फर्स्ट फॉर द बाई इलेक्शंस देर आर 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू. बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है. आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे. और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है. वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा. बट ऑल द 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस. अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू दी असेंबली इलेक्शंस. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं. सिक्किम जो 2 जून को विथ 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा ट्वेंटी फोर्थ जून विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 जून विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश ऑन 11 जून 24 विद 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दीज आर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट. दे विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली. दे विल ऑल्सो बी हेल्ड इन द सेम फेज वेयर द पार्लियामेंट इलेक्शंस विल बी हेल्ड. तो नाउ व्हेन आई टेल यू the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. So, Andhra ke case mein notification 18 April 24 ko hoga, or date of poll 13th May 24 ko hogi. Iske baad Arunachal Pradesh mein
डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई। फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26th अप्रैल एंड 20th मई। देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस, सिक्स्थ फेज बीइंग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस। ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, वील डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम, 7 फेजेस। फेज वन विल स्टार्ट फ्रॉम 20th मार्च नोटिफिकेशन, 5 डेज फ्रॉम नाउ, एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल वुड बी 30th मार्च एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 19th ऑफ अप्रैल। इसमें फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां त्योहार है और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस, ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल। सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ दी सम हॉलीडे दी डेट ऑफ वन डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी
और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 ऑफ मे। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कम्प्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कम्प्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कम्प्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून। इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून। तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th। एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दिस इज हाउ द मैप विल लुक। येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन। वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। यह भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, यह भी एक अच्छी स्नैपशॉट है जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57। सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें weather और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये schedule बनाया गया है। With this, जो single phase, single poll date है वो 22 state में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 phase में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में